और आइए एक मेरा अंतिम भजन आप लोगों के दरबार में, मैं माँ विंध्यवासिनी की एक कथा सुनाना चाहती हूँ आप सबको। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। और कहना है, अरे मिर्जापुर की पावन भूमि को है संत संत प्रणाम, माँ विंध्यवासिनी जहाँ विराजे, गंगा करती जिनकी गुणगान, माँ विंध्यवासिनी जहाँ विराजे। अगर अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा। ये माँ विंध्यवासिनी की कथा है, जो वो कैसे कैसे यहाँ पे आगमन हुआ उनका, वो कैसे यहाँ पे बसी है, ये मैं सुना रही हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। ये मेरी एक बहन आ रही है, बहुत प्यार से, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाइए मेरी बहन के लिए, जोरदार ताली, क्या बात, थैंक यू। और कहेंगे कैसे, अरे मिर्जापुर की पावन भूमि को I'm
तो आप सभी कहिएगा, दुनिया है तेरी आंचल में, सभी कोई बोलेंगे, ठीक है, मुंह बंद नहीं होना चाहिए, म्यूजिक नहीं बजेगा, हम गाएंगे और आप गाएंगे, कैसे? मैया जोर सुनाइए, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, म्यूजिक नहीं बजेगा, आप नहीं बजाइए, सिर्फ हम गाएंगे और हमारे भक्त गाएंगे, मैया के भक्त गाएंगे, मैया मेरे दुनिया है, जितना मुंह खोले हैं उतना ही दोनों हाथ उठाएंगे और तालियां नहीं क्या, मैया कली होंगे तो फूल जरूर खिलेंगे और हम दोनों की जिंदगी रहेगी तो हम आप सबसे फिर मिलेंगे। और भैया जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक चीज बोल दूं क्या अपने भैया लोग के लिए? मेरी माताएं बहनें, आपकी इजाजत है, बोल दो। अगर मेरी माताएं बहनें इतनी प्यारी है, मेरे भैया लोग इतने प्यारे इतने अच्छे हैं कि सभी एक दोस्त के समान हो गए हैं, तो मैं इनके लिए एक छोटा सा गीत गाऊंगी कि तेरी जैसा यार कहां, क्या बात है, अरे कहां ऐसा यार ना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि बिना जुर्म का जेल नहीं होता, जिसमें मजा ना आए वो कोई खेल नहीं होता। अरे भक्तों, मोबाइल ही रखना है तो कनेक्शन मेरी इस मैया से कर लो, क्योंकि उनकी टावर कभी फेल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाइए इन दोनों के लिए, दीपू और विशु। माता रानी के दरबार में ये दोनों भाई बहन उपस्थित है और शानदार प्रस्तुति की है। इनको सुनना है तो यूट्यूब पर दीपिका ओझा लिखिए, अजय जनबी जी को सुनना है तो यूट्यूब पर अजय जनबी, राघवेंद्र सिंह जी को जानना हो तो फेसबुक पे लिख दिया। अब कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि राजधारी सिंह कैसे आदमी है, क्या करते हैं, केवल फेसबुक पर लिखिए, आईडी होनी चाहिए, फेसबुक पर लिखिए, पता चल जाता है। हमसे कई बार लोगों ने कहा कि भैया आप कहाँ रहते हैं, हम कहने की फेसबुक पर, तो फेसबुक पर किस नाम से रहते हैं, तो मैं बताया विजय बहादुर सिंह कौशिक, खोजिए मिल जाऊंगा। तो आजकल तो ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी आगे हो गई कि किसी से किसी के बारे में पूछने की जरूरत नहीं, बस नाम लिखिए, सारा डिटेल हाजिर है। आइए सम्मान अवनीश मिश्रा, पंडित अवनीश मिश्रा गुरुजी के द्वारा दीपू और विशु को, सगा भी सगा नहीं लगता, इन दोनों में अच्छा कौन है, इन दोनों में बेहतर कौन है, सगा भी सगा नहीं लगता, आईना भी अपना नहीं लगता, कौन डूबा है कितने पानी में इसका कुछ पता नहीं लगता, ये दोनों में से कौन कितना बढ़िया है, अगर जजमेंट करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये दिन दोनों के ऊपर भी माता रानी का कृपा है और ये आशीर्वाद, ये कृपा ऐसे ही बना रहे। अभिनंदन है, स्वागत है। एक बेटी की प्रस्तुति अभी हुई, एक बेटी की प्रस्तुति अभी और होगी, लेकिन बेटियों के लिए एक बात जरूर कहूंगा कि जिम्मेवारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां,
पूरी दुनिया जब भारत की तरफ देखती है तो भारत की बेटियों की ऊर्जा देखकर, भारत की बेटियों के संघर्ष को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिर भारत की बेटी इतना त्याग कहां से लाती है, इतनी ऊर्जा कहां से लाती है। वो इसलिए कि जिम्मेवारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, चुनाव वायुयान भी चलाने लगी बेटियां। गीत संगीत विज्ञान कला हर क्षेत्र आज अपनी शक्ति आजमाने लगी बेटियां। लेकिन वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके सुना शमशान तक जाने लगी बेटियां। आज भारत की बेटियों की यह स्थिति है कि वो अपने पिता को अर्थी दे रही है, शमशान तक जा रही है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमने अखबारों में टीवी में देखे कि किसी शहीद की अर्थी उसकी चार बेटियों ने अपने कंधे पर शमशान घाट तक पहुंचाई। तो ये भारत की बेटी है, इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है।